हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट का रिव्यू बताने वाला हूँ। बेसिकली लाइक अगर आजकल सभी की लाइफ में थोड़ा सा दौड़म भाग है, तो नॉर्मली ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स थोड़ा सा हाई बीपी सबको हो जाता है एज के साथ। और उसके लिए आजकल क्या ट्रेंड है कि हम एलोपैथिक मेडिसिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर हम जाएंगे, कुछ होगा वो मॉनिटर करेंगे और डायरेक्टली बोल देंगे कि दवाई खाना स्टार्ट कर दो, विच इज़ ऑल्सो ओके, राइट? बट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसको नेचुरली कैसे क्योर कर पाएँ और हम एक दवाई की तरफ मतलब उसके जंजीरों में ना जकड़ जाए, ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़े। हाँ, अगर कोई इलाज नहीं है देन इट्स ओके, बट इनिशियली अगर आपका ठीक ठाक चल रहा है तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, खाना बैठना उठना चेंज करिए, सोडियम इनटेक कम करिए, और फिर जंक पैकेज्ड फूड, सैचुरेटेड ट्रांस फूड, ये चिप्स जितना भी आप हम खाते हैं वो सब बंद करिए। आपको हैरानी होगा कि इवन हम जो इडली वड़ा खाते हैं साउथ में, सब कुछ हम लगता है कि बहुत ही सिंपल, ऑब्वियसली सिंपल अच्छा फूड है, लेकिन उसमें भी कार्ब्स होता है, राइट? और ऑयल वड़ा मतलब फ्राइड होता है, तो दैट इज़ ऑल ओके। बट उसके साथ आप खा भी रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, तो दीज आर द लाइफ स्टाइल चेंजेस यू हैव टू मेक। थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, सन बाथिंग करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम वी ऑल नो, सॉरी, विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जब तक कि बहुत कड़ा धूप ना हो जाए 11-12 o'clock, उसके पहले या तो शाम में जब हल्का धूप सनसेट होने लगे तब देन यू शुड गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक। सो ऑल दिस थिंग्स ऑलरेडी वी हैव बीन रीडिंग अबाउट इट एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट। बट आज जो प्रोडक्ट है वो आपको मैं बताऊंगा कि एक कपीवा करके आयुर्वेदिक होता है प्रोडक्ट, उसके बहुत सारे आंवला और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं बीपी केयर जूस कपीवा का है, और इसमें आपको अगर बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है तो अगेन वो भी आपको रिड्यूस करता है अलॉन्ग विद द बीपी केयर जूस। तो ऐसा बीपी केयर जूस कुछ नहीं होता है, कुछ मैजिक नहीं है। तो बेसिकली इट्स नोन टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, और अगेन दिस इज़ नॉट एन एडवर्टीजमेंट एंड इट्स नॉट अ पेड, सो आई एम नॉट गेटिंग एनी मोनिटाइजेशन और एनी बेनिफिट्स आउट ऑफ फ्रॉम कवी कपीवा। रिकमेंडिंग दिस इज़ बिकॉज हमें अच्छा सिंपल लाइफस्टाइल करके अपना चेंज करना चाहिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी बीपी का इश्यू है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली बोला जाता है कि 2 to 3 months लगता है कि आप नॉर्मलाइज हो जाएं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी का 1 month में भी हो जाएगा, किसी का नहीं भी होगा, कोई गारंटी नहीं। आपको फिर एलोपैथिक मेडिसिन लगाना पड़ेगा, बहुत लोग का उसका भी डोज ऊपर नीचे होता है। देर इज़ नो वन फिक्स्ड सिंगल रूल विच अप्लाइज टू एवरीबडी, वी ऑल आर डिफरेंट, सो वी ऑल आर डिफरेंट, आवर बॉडीज आर डिफरेंट। देर इज़ नो वन सिंगल 98.6 टेम्परेचर है तो फीवर हो गया, 120/80, ऐसा कुछ नथिंग इज़ नॉर्मल। सो आपने बहुत सारा वीडियोज़ देखा होगा जिसमें कि लोग बोलते हैं 170/120 बीपी है, फिर भी इट्स नॉर्मल फॉर देम, दे हैव बीन लिविंग लाइक दैट ऑल देयर लाइफ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट या क्लोज टू दैट रीडिंग, इफ यू आर एबल टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, ईट गुड, डू ऑल द सन बास्किंग, सम योगा, प्राणायाम, अपना स्ट्रेस एंगजाइटी को कम करो, ये सब करो अलॉन्ग विद द मीन्स कभी कभी पूरी खाओ, क्यों नहीं खाओ, फ्राइड राइस बिरयानी खाना जरूरी है लाइफ में, सब कुछ करो, बट इट शुड बी इन लिमिटेड क्वान्टिटी एट सम लिमिटेड इंटरवल्स, इट शुड नॉट बी डन एट अ डेली, राइट? इफ यू डू इट द रॉन्ग थिंग डेली देन इट माइट अफेक्ट योर बॉडी। सो यू शुड डू दीज थिंग्स लाइक अ फ्राइड राइस और बिरयानी और अ बर्थडे पार्टी और अ ड्रिंक पार्टी विथ योर फ्रेंड्स, एवरी थिंग इज़ ओके, बट यू शुड डू इट ओनली वेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, और टू डिस्ट्रेस योर सेल्फ वंस इन 10 days, 7 days और 15 days। इट्स नॉट लाइक एवरी वीक और एवरी डे लाइक फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो नाउ विल कम टू द प्रोडक्ट। सो आपको बहुत सारा प्रोडक्ट है, आप वेबसाइट में जाइए और देखिए कपीवा का, कपीवा आंवला, कपीवा गिलॉय, बहुत सारा जूसेज आता है, एवरीथिंग इज़ गुड।
So this is about the BP and cholesterol levels. तो ये देखिए, इसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी 1 महीना लिया है और मैं आपको देंगे। आप अपने वेबसाइट पे जाइए कपीवा का, तो वहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि फ्री कंसल्टेशन होता है। तो बेसिकली यू कैन डू अ फ्री कंसल्टेशन विद द डॉक्टर्स। दे आर मेनी ऑनलाइन डॉक्टर्स, सो दे विल कॉल यू डायरेक्टली एट योर नंबर। यू कैन शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द स्लॉट्स, यू विल गेट अ टाइम। एंड बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स, मैं क्या बोलूँगा, जैसे कि बहुत सारा डॉक्टर एलोपैथिक इंग्लिश डॉक्टर्स के पास अब जब हम जाते हैं, दे विल नॉट इवन टेल यू सर लाइक रिड्यूस योर सोडियम इनटेक, सर डू लाइफ स्टाइल चेंजेस, बिकॉज दे आर नॉट वरीड, दे आर वरीड अबाउट जस्ट कंट्रोलिंग योर बीपी। हाँ तो विहान, मैं इनको विहान भी यहाँ पे आ गया। तो तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज ये टॉपिक बच्चों के लिए नहीं है, मतलब ये है कि अपना हेल्थ स्टाइल और कैसे आप ये सब कर सकते हो। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहा हूँ, तो बस ये जैसे गुडविल वीडियो है, राइट? हम कुछ प्रोडक्ट को नहीं, हम किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, ना तो हमें कुछ मिल रहा है। पर जो मैंने अपना यूज़ किया है उसके लिए, मुझे पता भी नहीं, अभी तो मुझे 1 मंथ ही हुआ है, आई डो नॉट नो हाउ बेनिफिशियल इट विल बी, बट आई बीन जस्ट यूजिंग एंड स्प्रेडिंग द गुड गुड न्यूज़ और द गुड थिंग्स टू आवर सब्सक्राइबर्स, एंड दे कैन ऑल्सो ट्राई। हाँ तो प्लीज़ जाओ अपना होमवर्क करो और फिर गेट लॉस्ट। बाय 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 विहान। या सो वी विल कंटिन्यू आवर रिव्यू। जैसे कि मैं बोलता था, कोई बीपी जूस ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो आपको मैजिक कर दे। तो इसमें बेसिकली 10 हर्ब्स होते हैं, ओके, जो आपको हेल्प करते हैं, ओके। तो वी विल जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम। बेसिकली होता है इसमें अर्जुना, लहसुन और जटामानसी। तो आप ये सब पढ़िए, ये सब आयुर्वेद हर्ब्स हैं जो कि नेचुरल हैं। एनी हाउ प्रिजर्वेटिव्स इसमें रहता ही है, क्योंकि ये पैक्ड है और इसमें एक्सपायरी डेट है, तो इसको भी हमें प्रिजर्व करना है। तो ऑब्वियसली इसमें भी एडेड प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो इट वट दिस बीपी जूस इज ऑल अबाउट, इट कंटेन्स हर्ब्स दैट आर नोन टू एड हाइपरटेंशन बाय मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि दे ऑल्सो कीप योर हार्ट हेल्दी बाई लोअरिंग LDL और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल तो आपको पता ही है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को LDL को ही कम करता है, और ये ट्रेडिशनल प्रोसेस से बना हुआ है, और वेयर दे आर सोक्ड ओवर नाइट और बॉयल्ड फॉर 4 आवर्स एंड देन फिल्टर्ड। और फिर इसमें द फ्रेश जूस ऑफ गूगल गूगल है ऐड होता है, जो कि बहुत ही अच्छा इन्ग्रीडियंट है, एंड देन ये जूस बनता है। तो ऑल नेचुरल और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम क्या मैं देख रहा हूँ कि अभी इसका दाम बढ़ रहा है, मतलब ऐसे कि लोग आजकल, जैसे कि बहुत यू आर ऑल अवेयर अबाउट लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड अदर थिंग्स, सो मतलब कि क्या हो रहा है कि सब लोग अब इधर ही भाग रहे हैं कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा प्यूर न्यूट्रिशन है, लिविंग स्टाइल हैज़ गॉन अप ड्रास्टिकली अमंग ऑल द पीपल। सो इसका दाम मतलब बेनिफिट हो गया, राइट? अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और सब लोग उसकी तरफ आ रहा हूँ, तो इनिशियली मैं व्हेन आई मार्केट द प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल बी ओके, आई विल मैनेज लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और मेरा लाइक प्रॉफिट विल बी एट अ लोअर मार्जिन। बट ग्रेजुअली व्हेन माय बेस इज गेटिंग एक्सपैंडेड एंड आई एम डूइंग, माय प्रोडक्ट इज डूइंग गुड, देन आई विल इंक्रीज, मीन द कंपनी माइट इंक्रीज द प्राइस। That is what I've been seeing. Like last month, it was like after the discounts and all, it was like ₹490-500 I think, or maybe 550. Not exactly sure. I cannot recall. But इस बार 800 से कम मिल ही नहीं रहा है। तो मतलब अगेन ऐसा देखा मैंने। तो इसका आपका 2 लीटर का भी आता है बॉटल, तो अच्छा है ये। और बेसिकली आप जब भी करेंगे तो एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि कपीवा ऑनलाइन साइट पे जाइएगा, वहाँ पे फ्री कंसल्टेशन FAQs में भी जाके ऑनलाइन कंसल्टेशन लिंक पे क्लिक करिए, होगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। जैसे कि मेरी डॉक्टर मंजुला मैम है,
मैंने उनको फर्स्ट टाइम तो जानता नहीं था, कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि कितना लेना है, कितनी कैसे लेना है, बीपी जूस कब लेना है, कितना फ्रीक्वेंसी में लेना है, डूज एंड डोंट्स उन्होंने बताया, सब कुछ ऑनलाइन फ्री में मिला मुझे। और नेक्स्ट टाइम जब मुझे उन्होंने बोला कि 15 डेज करो, उन्होंने पूरा हेल्थ हिस्ट्री भी जाना, ऐसा नहीं है कुछ बींग लाइक एज अ डॉक्टर आपको तो यू विल नीड टू नो ऑल द हेल्थ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट राइट। एंड देन शी ऑल्सो आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस, क्या है, कैसे है, कब से है। फिर मैंने उनको बताया और जब 1 महीना हो गया, मेरा फर्स्ट बॉटल ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने उनको फिर से कॉल किया और उन्होंने ईमेल कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्लॉट, वही आपको अरेंज कर देंगे या फिर आप फिर से एक अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो इट कैन बी इधर इधर वे यू आर कंफर्टेबल। सो सेकेंड टाइम मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला रीडिंग लो, रीडिंग लेने में मुझे एनजाइटी होता है, तो मैंने रीडिंग नहीं लिया है, लेकिन एनी हाउ उन्होंने बोला कि लाइक लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस। सो एंड अनटिल वी नो द रीडिंग एक्चुअली राइट, देन वी कैनॉट नो वाट एग्जैक्टली इज़ द बेनिफिट। सो आई एम नॉट टेलिंग लाइक आई हैव बीन बेनिफिटेड बाई दिस थ्रू, आई स्टिल हैवंट नॉट टेक एनी रीडिंग आफ्टर टेकिंग दिस। बिफोर अ मंथ आई वॉज टेकिंग द रीडिंग्स, सो होपफुली अगेन सम डे आई विल टेक द रीडिंग एंड इट शैल बी विदिन एक्सेप्टेबल लिमिट्स, आई एम नॉट श्योर। सो एक्चुअली मैंने रॉन्ग बोला कि 800 का है, 649 MRP है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैंने कितने मंगाया है, लेकिन थोड़ा सा महंगा लगा, लाइक फर्स्ट टाइम थोड़ा ईजी था। तो इसमें देख रहे हैं कि 12/23 में एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव्स तो है ही, बट लेकिन ये अच्छा वे राइट। एंड अगर अच्छा हो जाए तो मतलब इट्स ओके लाइक ट्राइट फॉर अ कपल ऑफ मंथ, 3 मंथ्स कीप मॉनिटरिंग योर रीडिंग, ठीक है। तो और इसमें क्या है कि जब भी आप किसी भी बॉटल को खोलते हैं, चाहे वो स्क्वैश हो या कुछ भी एक पिकल हो सबका, या लाइक एक कोल्ड ड्रिंक हो, तो वी कैन नॉट ओपन इट एंड यूज़ इट फॉर 3 मंथ्स, वी कैन नॉट कीप इट फॉर 3 मंथ्स। सो इट हैज़ अ डेड लाइन आफ्टर वंस यू ओपन द बॉटल राइट। सो इवन फॉर दिस वन हाउ वॉट इज रिटन दैट कंज्यूम विद इन 1.5 मंथ वंस ओपेंड, ठीक है। ठीक है तो ये हमने देख लिया। वाई बीपी जूस अगेन अ ब्लेंड ऑफ 10 पोटेंट्स, ये सब हमें पता है। अर्जुना भी बहुत हमने देखा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपको पता होगा, दो होता है, सिस्टोलिक ऊपर नीचे, डायस्टोलिक बेसिकली। सिस्टोलिक क्या होता है कि आपको स्ट्रेस या टेंशन हो रहा है या मतलब एंगजाइटी है तो सिस्टोलिक, या आप गाड़ी चला रहे हो तो ये सब सिस्टोलिक, डायस्टोलिक अलग हो गया नीचे वाला। तो 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो हाँ, तो स्टडीज़ ये भी बताता है कि लहसुन माइट हेल्प इन मेंटेनिंग अ गुड हार्ट हार्ट हेल्दी हार्ट थिंग। और सर्पगंधा एंड जटामांसी आर ऑल्सो नोन इन मेंटेनिंग अ हार्ट हेल्दी हार्ट, ऑल दीज थिंग्स राइट, एंड रिड्यूसिंग द ट्राइग्लिसराइड्स हो जाता है राइट। अगर आपने अपना जब आप कराएंगे तो बेसिकली हमारे वेन्स में ट्राइग्लिसराइड्स हो जाता है और वो ब्लड फ्लो को मतलब थोड़ा प्रॉपरली फ्लो नहीं होता है और वो वेन्स में ऊपर में और नीचे में थोड़ा ब्लॉकेज कर देता है ट्राइग्लिसराइड्स, विच नॉट एट ऑल गुड। तो उसके लिए हम ओमेगा खाना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को लोड करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ वॉट इट इज़ मैंशनिंग। गूगल गूगल में हेल्प इन रिड्यूसिंग ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, करेक्ट। सो नाउ वील कम टू द थर्ड पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट, हाउ डू वी यूज दिस। सो बेसिकली मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, शेक द बॉटल वेल, ऑब्वियसली वी हैव टू डू दैट फॉर एनी काइंड ऑफ बॉटल वी कंज्यूम, एंड देन डाइल्यूट 30 ml, 30 ml लीजिए। इसमें एक मेजरमेंट आता है, आप 30 ml मार्क कर सकते हैं, जैसे कि अदर मतलब मेडिसिन में भी आता है। डाइल्यूट 30 ml ऑफ बी पी के जूस इन अ ग्लास ऑफ वाटर, कंज्यूम ऑन एन एम्प्टी स्टमक एवरी मॉर्निंग। सो बेसिकली मैं पहले अर्ली मॉर्निंग, बहुत लोग थायराइड है बहुत कुछ अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, तो लेट्स नॉट मिंगल मल्टीपल मेडिसिन एट वन टाइम इज़ वॉट सजेस्टेड बाई डॉक्टर मंजुला। तो मैम ने बोला था कि लाइक आप एम्प्टी पेट लो, सुबह में आप थायराइड ले, तो थायराइड खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज अगर आपका ऊपर नीचे हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है, उसके लिए एक अलग वीडियो आप बना सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन मेनली क्या होता है कि आपका न्यूट्रिएंट्स और आपका एब्जॉर्प्शन नहीं अच्छा हो सकता,
तो आप फिर ये भी कुछ भी पीजिए आपका काम नहीं चलेगा। तो मेन जो भी आप मेन आपका मेजर है वो तो लीजिए ही, जैसे थायराइड हो गया या आप कुछ और ले रहे हो वो लीजिए, और जब भी खाली पेट हो तो आप इवनिंग में भी ले सकते हो। तो मैं जैसे आज मिस कर गया, बेसिकली मैं मॉर्निंग में ले लेता हूँ एम्प्टी स्टमक, बट अभी मैं इवनिंग हो रहा है 7 o'clock, तो मैं आज खाली पेट ही लूँगा, मतलब अभी खाने से पहले हाफ एन आवर, मतलब अभी 5 3 4 घंटे हो गए सिंस आई हैड टेकन माई लंच। सो लाइक आई हैड टेकन माई लंच अराउंड 2:30, इट वॉज लेट टूडे, सो नाउ इट्स 7:30, सो आई हैव नॉट कंज्यूम्ड एनीथिंग ड्यूरिंग दिस पीक मीन ड्यूरिंग दिस आवर्स, एंड आई हैड अ कप ऑफ टी, सो अगेन इट हैज़ बीन अन 2 आवर्स सिंस आई टुक दैट, सो नाउ इट्स अ गुड टाइम टू टेक दिस बीपी जूस। तो ये हो गया करेक्ट। तो अगेन कमिंग टू आई वाज टेलिंग कि अदर प्रोडक्ट्स उनका क्या है, करेला जामुन जूस दैट इज़ फॉर डायबिटीज़, इट्स वेरी गुड, बट अगेन यू शुड नॉट ट्राई ऑल दीज मेडिसिन ऑन योर। बोलते हैं कि आयुर्वेदिक है ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आयुर्वेदिक है इसका मतलब नहीं आप कितना भी ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए, प्लांट बेस्ड है। फिर मतलब एक आपको एक सुपरविजन होना चाहिए, सुपरवाइजर होना चाहिए जो कि आपको आपका रीडिंग्स देखे, आपको आपको गाइड करे, राइट। इट्स नॉट लाइक कि लाई पी और सब कुछ पेट में डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जामुन जूस इज़ वेरी लाइक बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, और ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर खाना है ये सब, लाइक 2 3 महीने खाए और थोड़ा ठीक हो गया फिर देखे ज़रूरत पड़ा है कि नहीं पड़ा है। कपिवा दिया फ्री जूस है और ईस्ट जूस है, बहुत भी आप प्रोडक्ट आप वेबसाइट में जाओ सब मिल जाएगा आपको। तो ये पैकिंग भी बहुत अच्छा है, अमेज़न से मैंने मंगाया, नेट मेट से भी आता है, और ये करेक्ट। सो अब इसको हम खोल के देखते हैं। तो ये निकल गया कपीपा जूस बाहर, ये आपका है मेज़रमेंट 30 ml या जो भी आपको लेना है, आप अपना 20 ml 15 ml नाप सकते हैं, और बहुत ही कड़वा होता है एक्चुअली। लाइक अगर आपने बचपन पहले इफ़ यू हैव एवर कंज्यूम्ड सब इबगोल फॉर कॉन्स्टिपेशन, और लाइक साफ़ी साफ़ी बहुत कॉमन लाइक पॉपुलर प्रोडक्ट था हमदर्द का फॉर योर गट हेल्थ, ऑल दिस थिंग्स इफ़ यू हैव टेकन फॉर योर गट हेल्थ, तो दोज वे लाइक टेरिबली सावर इन टेस्ट, सो दिस इज ऑल्सो वेरी सावर इन टेस्ट, बट जस्ट यू हैव टू टेक इट, लाइक आई डोंट माइंड टेकिंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज इट्स लाइक जस्ट गल्प इट स्लोली, इट इट डिपेंड्स, लाइक ज़्यादा नाटक वाटक नहीं करना है। तो यहाँ भी सेम वही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और अभी मैं आपको पी के दिखाता हूँ। तो मेरे पास ग्लास नहीं है तो मैं कप में ही डाल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा डाल दीजिए, बेसिकली मेज़रमेंट इसमें डाल दीजिए, सॉरी टेबल पे गिरा गया, गिर गया अभी, मुझे डांट पड़ेगी। तो ये 30 ml मैंने डाल दिया, और टी में डाल दिया, अभी बॉटल को क्लोज कर लीजिए, पैक कर लीजिए कुछ भी एयर ना जाए, और फिर अभी मैंने 30 ml, आप देख रहे हैं मैंने 30 नहीं लिया 25 डाला है, और डाल लिया मैंने। थोड़ा स्पून लेके इसको आप मिला सकते हैं, थोड़ा अच्छे से मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, चिया स्पूलिए और बस इंजॉय करिए।